हेलो भाई, क्या नहीं हेलो, है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आई एम फाइन। हाउ आर यू? मैम? आई एम फाइन टू मैम. हाउ इज द कोविड सिचुएशन ओवर देयर? इट्स आई मतलब केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. इवन यार द कंसर्न अथॉरिटी आर टेकिंग पीसीआर टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर फ्री, बट मेनी अबाउट आउट ऑफ 100 60 पीपल आर पॉजिटिव. रिपोर्ट सेज लाइक Yeah. दैट, Oh. सो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन. Yeah, दैट्स व्हाई मैम वाज अनेबल टू कनेक्ट फॉर लाइक 1 or 2 weeks विद यू, बिकॉज एवरीथिंग वाज लॉक्ड एंड यर इंटरनेट वाज इवन नॉट अवेलेबल. So why are they cutting off the internet? आई डोंट नो मैम, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. व्हेन आई आस्क्ड दे सेड दैट सम बजट प्रॉब्लम और लाइक दैट, एंड आफ्टर सम प्लानिंग एंड ऑल विद हूएवर इज हियर द पावरफुल पीपल, दे हैव सम प्लानिंग विद द लोकल अथॉरिटीज, एंड देन द पावरफुल पीपल spent some of their budget and now we are having internet facility. It's something like ma'am local politics. I don't know myself. So first thing that I completely forgot was is like did you opt for Hindi Urdu lectures or English lectures? Ma'am, I opt for Hindi. I opt for Urdu, but what we say, both languages are doable. तो फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। मैम मैंने बीपीपी से चैप्टर 3 किया था. लाइक अब बीपीपी और का प्लान से चैप्टर शायद नहीं मिलते हैं. मैम फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा मतलब कैप्लान से पढ़ना ज्यादा सही रहेगा कि बीपीपी से? दोनों ही सही है, लेकिन कैपलिन जो है ना वो बेहतर इसलिए है क्योंकि बीपीपी में वो कभी कभार बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता है। पहले मैं बीपीपी से ही पढ़ाती थी, बट वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में चला जाता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो मीट नहीं हो पा रहा होगा, तो तो वो मैम स्टूडेंट्स को भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इसलिए मैम कैप्लान बीपीपी कैप्लान F4 का प्लान से पढ़ना चाहिए. तो जी बेहतर है। मैम ये अब बट जो चैप्टर 4 है ये कैप्लान का कौन सा लेसन का होगा? लाइक कंफ्यूज हो रहा. आई थिंक दोनों सेम है, बिकॉज़ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स लिखा हुआ है बीबीपी पे, और यहाँ पर भी इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओ की बात हाँ कर हाँ रहे हैं। ठीक है, सब सेम है, सब कोई तो दिक्कत फिर नहीं है. इधर बस से मैम स्टार्ट कर दे। हाँ, मुझे लगा डिफरेंट है थोड़ा. नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि जब भी हम कुछ सेल कर रहे होते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है वो सब एग्जैक्टली सेम हो। यानी मैं आपको ये कहकर नहीं सेल कर सकती कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लेट से आपको ये चीज प्रोवाइड करेगा, जबकि वो चीज वो प्रोवाइड ही नहीं करता। ठीक है, वो फैसिलिटीज अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं देता और मैं उसके डिस्क्रिप्शन में ये चीज लिख देती हूँ तो ये सबसे बड़ा इशू है। इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में तो इतना इशू क्रिएट नहीं होता, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूके यूएसए जगह पे चले जाएं तो वो आपको सू कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर, सेलर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इसमें बता रहे हैं कि सेलर को सबसे पहले तो डिलीवर करना होगा गुड। अगर आपने नोटिस किया हो तो अक्सर जगह पर ऐसा ही होता है कि सेलर खुद डिलीवर करता है, तो कस्टमर नहीं कहता कि मैं आपसे आके ले लूंगा, तो वो क्योंकि सेलर की ही ऑब्लिगेशन में आता है, सेलर की ही ड्यूटी है कि वो उसको डिलीवर करे।
कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, सेलर आके आगे आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट साइन कर लें, ये सब कस्टमर खुद नहीं जाता। अगर कोई आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो जिसको आप सेल कर रहे होंगे आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पास नहीं आएगा कि भाई मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। आपको उसके पास जाना पड़ेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दो, अग्रीमेंट कर लो और फिर प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो, ऐसे ही होता है। अब देयर आर टू इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू डिलीवरी, एक तो प्लेस और एक टाइम। बहुत सारी जगह ये होता है कि डिलीवरी कुछ जगहों पे तो हो जाती है, अगर आप अपनी कंट्री में भी नोटिस करें तो कंट्री के कुछ एरियाज जो मेन मेन एरियाज हैं वहाँ पर तो गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन जो विलेज के एरियाज हैं वहाँ पर गुड्स शायद डिलीवर ना होते। उसकी वजह ये होती है कि जगह सही नहीं होती ना, मतलब के रास्ते सही नहीं बने हुए होते, गूगल मैप पे आप देख सकते ही नहीं है उसको, तो वहाँ तक पहुँचना सेलर के लिए या डिलीवरी वैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो एक प्लेस का इशू आता है और दूसरा टाइम का। टाइम का क्या इशू आता है कि अक्सर सेलर कहते हैं हम 3 से 5 दिन में आपको गुड डिलीवर कर देंगे, असल में वो करते हैं डिलीवर 7 डेज में। तो टाइमली डिलीवरी किसी भी सेलर के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, या तो आप वो टाइम दें कि जिसमें आप एक्चुअली डिलीवर कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज भी सही रहे, या फिर आप मना कर दें कि आप डिलीवर नहीं कर सकते विद इन द गिवन टाइम। अक्सर ऐसा होता है हम उनको कहते हैं कि भाई आप कोशिश करिएगा 3 डेज के अंदर डिलीवर कर दें, कभी कभार कोई अर्जेंट प्रोडक्ट मंगवाना पड़ जाए, लेट्स से कोई अर्जेंट गैदरिंग आ जाए, आपको कल पता चले या आपको कल ये पता चले कि 3 डेज बाद आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है, ठीक है, और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो द ओनली वे इज क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग में आपने उनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए कि भाई प्लीज़ आप मुझे 3 दिन के अंदर डिलीवर कर दें, उन्होंने कह दिया हाँ सही है हम आपको डिलीवर कर देंगे, अब आपको ये इस बात की उम्मीद मिल गई कि वो लोग 3 दिन में डिलीवर कर देंगे, जबकि असल में वो करेंगे डिलीवर 7 डेज में। तो आप ऑन दैट 3rd डे व्हेन योर फ्रेंड इज गेटिंग वेडेड, तो आप घर में बैठे हुए ये सोच होंगे कि यार मैं कपड़े कहाँ से करूँ। हाँ जी सही है। तो सप्लायर के लिए या सेलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम दे उस पर डिलीवर करे और जो प्लेस जिस पे उसने अग्री किया उस पर डिलीवर करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ हुआ तो फिर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं उसमें? नंबर वन ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कैरेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है, कैरेज ऑफ गुड्स मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो सप्लायर को चाहिए या सेलर को चाहिए कि वो किसी ऐसी कोरियर सर्विस को अपने सारे प्रोडक्ट्स हैंड ओवर कर दे जो रिलायबल हो, ताकि वो बायर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग की अपनी कोरियर सर्विसेज नहीं होती, वो खुद नहीं डिलीवर करते, कुछ खुद भी कर देते हैं बट ज़्यादातर लोग खुद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी डिलीवरी सर्विस नहीं होती, तो वो यही करते हैं कि वो दूसरे कोरियर सर्विस को सारे अपने प्रोडक्ट्स हैंड ओवर करते हैं, एड्रेसेस बता देते हैं और वो कोरियर सर्विसेज को पे करके बायर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा देते हैं। सेकंड मैम, ये फर्स्ट पॉइंट में ये मतलब स्पेसिफिकली यही बोल रहा है कि जो भी डिलीवरी करवाता है वो सेकंड मतलब जो भी मतलब तो ये कैरियर वाला काम होता है उसको देता है ये काम करने। यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसने बोला हुआ है कि सेलर खुद डिलीवर करेगा तो फिर सेलर खुद डिलीवर करेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ और सेलर के पास खुद डिलीवरी करने का भी चांस नहीं है तो उसको उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो किसी कोरियर सर्विस को वो बोल दे कि भाई आप डिलीवर कर दो प्रोडक्ट।
यहाँ पे दराज एक ऑनलाइन शॉपिंग है, तो वहां से हम लोग कुछ भी शॉप करते हैं, कुछ भी खरीदते, तो दराज डायरेक्टली हमें नहीं देता है वो, मतलब कोई वहाँ यहाँ कोई मतलब थर्ड कुरियर सर्विस होता है वो उसके थ्रू देता है। तो मतलब ये मतलब उसी से एग्जांपल रिलेट कर रहा है थोड़ा। अच्छा, दराज यहाँ पर भी है, तो दराज में अब इन्होंने थोड़ा बड़ा सेटअप कर लिया है यहाँ पर, तो इन्होंने खुद अपनी कोरियर सर्विस भी स्टार्ट कर दी है, खुद इनका मॉल भी आ गया है, तो मॉल बेसिकली डिजिटल मॉल है, तो अच्छा देन उसमें यहाँ पर भी कुछ डिजिटल लोग, मॉल है ये। हाँ तो कुछ लोग उसमें जो सप्लायर्स हैं, कि आपको पता होगा दराज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स हैं, हाँ तो कुछ लोग खुद डिलीवर कर देते हैं कि भाई हम हाँ खुद ही कर लेंगे, कुछ लोग खुद कहते हैं कि हम किसी दूसरी कोरियर सर्विस को दे देंगे, वो करवाएंगे हमारे एंड, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई दराज ही हमारे लिए पिक भी करे, हमारा प्रोडक्ट हमसे पिक कर ले और दराज ही कस्टमर तक पहुंचा भी दे हमारा प्रोडक्ट, तो फिर वो दराज की कोरियर सर्विस करते हैं। सेकेंड केस में वो कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कैरेज इन्वॉल्व नहीं होता, यानी डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं होती और इसकी कोई बात, यानी इन्होंने जो मेंशन किया है कि किसी स्पेसिफिक गुड से रिलेटेड नहीं, दे आर सेइंग इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इन्वॉल्व कैरेज एंड डज नॉट रिलेट टू स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो गुड्स आप डिलीवर कर रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक किस्म के नहीं है, लेट्स से पेरिशेबल गुड्स, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मतलब कोई स्पेसिफिक गुड आपने मेंशन नहीं किया हो, और अनआइडेंटिफाइड गुड्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टॉक, अनआइडेंटिफाइड गुड्स मतलब कि हमें नहीं पता कि इस डब्बे में क्या है, बस इस डब्बे में से जो गुड्स मिलेंगे उनकी बात करें, स्पेसिफिक स्टॉक तो यही होता है ना, कि आपने आपके पास जितना भी आइटम अवेलेबल है उसमें से आपने गुड्स उठा लिए, ठीक है, अब जाहिर है हर दफा आपको ये बात नहीं पता होगी कि जब आप सप्लायर के पास जा रहे हैं एज ए कोरियर सर्विस तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि भाई आपका कंसर्न ये है आप ये स्पेसिफिक स्टॉक उठा लो, यानी ये गुड्स या पैकेजेस उठा लो, अब इसके अंदर क्या है, दैट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न, राइट, ले रही बात, हाँ और रिलेट्स टू गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एंड एट द टाइम दे मेड द कॉन्टैक्ट द पार्टीज न्यू वेयर द गुड्स वुड बी और वुड बी प्रोड्यूस्ड, द सेलर मस्ट प्लेस द गुड्स एट द बायर्स डिस्पोजेबल डिस्पोजल एट दैट प्लेस। आसान लफ्जों में समराइज मैं बता दूं, तो ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वाजे नहीं किया हुआ कि कौन से गुड्स हैं या इतनी सारी इन्वेंट्री में से कौन से गुड्स बायर को डिलीवर करने हैं या कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे और अब वो बायर को डिलीवर करने हैं, तो सप्लायर या सेलर का काम है कि वो बायर तक गुड्स पहुंचा दे, तो ये सप्लायर को पता है ना सही चीज, सप्लायर को पता है कि भाई बायर ने किस चीज का ऑर्डर दिया था, अब बायर खुद आके तो पिक कर नहीं सकता वो चीज क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इतनी सारी इन्वेंट्री में से मुझे क्या चीज बाय करनी है, वो तो सप्लायर को पता है कि इतनी सारी इन्वेंट्री में से वो कौन सा आइटम है जो बायर ने ऑर्डर किया था, ठीक है, तो हाँ इस मतलब केस में भी सप्लायर का काम है कि वो खुद प्रोडक्ट्स अरेंज करे बायर की डिमांड के मुताबिक और फिर बायर को पहुंचा दे, ऑल क्लियर, यस मैम। देन इन द थर्ड पॉइंट इट सेज दैट इन अदर केसेस द सेलर मस्ट प्लेस द गुड्स एट द बायर्स डिस्पोजल एट द प्लेस वेयर द सेलर हैड हिज प्लेस ऑफ बिजनेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, क्या बात हो रही है भाई, अगर मैं आपके पास आई, आप सेलर हैं मैं बायर हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, मैंने बोला मुझे ये प्रोडक्ट बना के दे दें 1 महीने के अंदर,
आपने बोला हो जाएगा काम, मैंने बोला सही है। अब हम लोगों ने कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करी कि मैं पिक करूंगी या आप ड्रॉप करेंगे, तो थर्ड सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि आप बस ये बोले कि भाई आपके प्रोडक्ट्स रेडी हैं और आप मुझे कॉल कर दें कि आप आके पिकअप कर लें। अच्छा, पिकअप करने के लिए मेक श्योर कि जहां पर हमने कॉन्टेक्ट किया था, ये वही आपका बिजनेस का एरिया था ना जहां पर मैं आई थी, उधर से ही आप बोले कि भाई पिकअप करना। ये ना हो आप बोले कि भाई ये प्रोडक्ट बनी तो किसी विलेज में है तो आप वहां से जाके पिकअप कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे मीटिंग की थी आपके ऑफिस में जो कि मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल था, तभी मैं आपके पास आई थी। एंड मैं ये अज्यूम करते हुए आई थी कि आप इधर ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैं इधर से ही पिक कर लूंगी। अब मुझे क्या पता कि आपने विलेज में प्रोडक्ट बनाई है, और अगर बनाई भी है तो मेरा तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने प्रोडक्ट अपनी अपने ऑफिस तक लेकर आने, उसके बाद मैं पिकअप कर लूंगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैम शॉर्ट में ये समझना है कि ये जो मतलब जो लास्ट पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अगर कुछ भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि मतलब पिकअप या सेलर ड्रॉप करेगा या कस्टमर पिकअप करेगा, तो जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहीं पे सेलर उसको ड्रॉप करेगा, अगर वहां से बाय पिक कर ले। हाँ, मतलब दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अब इन्होंने मेंशन किया है अनआइडेंटिफाइड गुड्स ड्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टॉक आर यूजुअली गुड्स व्हिच कैन नॉट इजीली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ओवरऑल बैच ऑफ गुड्स। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अब आपकी फैक्ट्री है ना, आपको पता है इन्वेंट्री कैसे रखी गई है, मुझे तो नहीं पता कि इन्वेंट्री कैसे पड़ी है, राइट? हाँ, जब मुझे पता ही नहीं है कि इन्वेंट्री कैसे पड़ी है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं आपके पास आऊँ और मैं खुद ही उस इतनी सारी इन्वेंट्री में से अपना कंसर्न प्रोडक्ट उठा लूं। ये तो आप मुझे आइडेंटिफाई करके देंगे कि ये आपका पार्सल है, बस इसी को लेकर जाए, तो मुझे पता होगा कि सही इसमें वो चीजें हैं जो मैंने ऑर्डर की। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिलीवरी इन्वॉल्विंग कैरिज, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में कैरिज इन्वॉल्व है तो फिर तो सेलर को क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे कि वो कौन से गुड्स भेजेगा बायर के पास थ्रू कोरियर सर्विस और थ्रू हिज ओन डिलीवरी सर्विस। यही कह रहे हैं ना, क्लियरली आइडेंटिफाई द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हैंडिंग द गुड्स ओवर टू द कैरियर। तो अब अगर आपकी अपनी कोई सर्विस नहीं है कोरियर की, तो जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप जाकर बायर को दे दो, उनको भी मेक श्योर करें, उनके साथ भी एक कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको पता हो कि मैंने ये गुड्स डिलीवर करने का बोला था, ताकि अगर कोरियर सर्विस आपका प्रोडक्ट किसी और को डिलीवर कर दे, यानी किसी और बायर को, और किसी और सेलर का प्रोडक्ट आपके बायर को डिलीवर कर दे, तो आपके पास कोई प्रूफ तो हो कि कल को आप उसको सही करवा सकें। सेकेंड थिंग, make relevant contacts for the carriage of the goods to the relevant place by appropriate transportation and according to the usual terms applying to that transportation. Aapne, I don't know if you noticed this or not, lekin jab courier service lekar aati hai cheeze to ek slip hoti hai, us slip mein sari details likhi hui hoti hai aur wo slip parcel ke upar lagi hui hoti hai. Acha, us pe to aapko kyunki aap customer hai to aapko bahut limited details pata hoti hai, but because maine kaam kiya hua hai, I used to run an e-commerce business, so us pe maine courier services ke sath bada closely kaam kiya, so I do know ke ek form bharna padta hai mujhe har dafa jab bhi courier service ko main bulati thi apne paas ki bhai aap mujhe ye product पिकअप करके मेरे बायर को मेरे कस्टमर को डिलीवर कर दे, तो मुझे फॉर्म भरना पड़ता था। उस फॉर्म में मुझे सारी डिटेल्स खुद डालनी पड़ती थी कि बायर का एड्रेस क्या है,
सेलर का एड्रेस क्या है, यानी मुझे अपना एड्रेस भी डालना पड़ेगा और जिसको मैं सेल सेंड कर रही हूँ उसका भी एड्रेस डालना पड़ेगा, फिर उसका नाम, मेरा नाम, उसका फोन नंबर, मेरा फोन नंबर, उसके अलावा कितनी इंश्योरेंस वैल्यू है वो डालना पड़ेगा, कौन से ट्रांसपोर्टेशन मैं यूज़ करना चाहती हूँ, 24 आवर सर्विस यूज करूँ या अगर मैं थोड़े चीप सर्विस यूज करना चाहती हूँ तो फिर 7 डेज के अंदर पैकेज पहुँचेगा कस्टमर को, अगर अर्जेंट पार्सल है तो फिर वो 24 आवर वाली सर्विस यूज करूँ, ये सब मुझे खुद फिल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपकी स्लिप में नहीं मेंशन होती, लेकिन ये सारी चीजें हमारी स्लिप में मेंशन होती है, जो सप्लायर के पास जो स्लिप होती है उसमें ये सब चीजें मेंशन होती है। इसी तरह कोरियर सर्विस के पास भी यही स्लिप जाती है और वो उनके पास भी ऐसा प्रूफ रहता है ताकि कल को अगर वो कहीं और डिलीवर कर दे या कुछ मसला कर दे, क्योंकि जाहिर है वो भी इंसान है जो डिलीवर करने जाते हैं, कभी कभार हो जाता है ह्यूमन एरर में, किसी का पार्सल किसी और को दे दिया, तो उनके पास एक प्रूफ हो कि हाँ सही है, दिस वाज द एड्रेस, ये सर्विस यूज हो रही थी, इतने पैसे उनसे लेने थे, ठीक है। यस मैम। थर्ड में वो कह रहे प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर द गुड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो प्रोवाइड माय एप्लीकेशन, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, इंश्योरेंस की वैल्यू मुझे खुद डालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पार्सल घूम गया, अब पार्सल मेरी तरफ से तो चला गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ घुमाने के लिए, वो तो कोरियर सर्विस का बंदा होगा या कोरियर सर्विस की अपनी टीम होगी ना रिस्पॉन्सिबल, कि उन्होंने घुमा दिया मेरा पार्सल और बाहर तक मेरा पार्सल पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी हुआ, पुअर फीडबैक भी मिला। तो ये चीज कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस वैल्यू डाली जाती है, फिर उतनी अमाउंट जो है वो कोरियर सर्विस आपको कवर अप कर देती है। एंड फोर्थ पॉइंट, इफ द कॉन्टैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंश्योरेंस, The seller must provide the buyer with all relevant information in sufficient time to enable the buyer to insure the goods while they are in transit. क्या हो रहा है? अक्सर आपने देखा होगा कि insurance की value नहीं होती, but आपको tracking ID दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? कि आप भी सेटिस्फाइड हो एज अ सेलर, वो भी सेटिस्फाइड हो एज अ बायर, कि भाई आपके एंड से निकल चुका है और आपको ये उम्मीद लगी रहती है कि बायर तक पहुंचने वाले, बायर को ये उम्मीद होती है कि शायद अभी सेलर ने भेजा ही नहीं है कि भेज दिया, कुछ पता नहीं होता, तो ट्रैकिंग आई डी इसीलिए दी जाती ताकि आप खुद रूट कर सके कि यार ये कहाँ तक पहुँचा है पार्सल और कितने दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। इंश्योरेंस नहीं होता तो ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, वो तो विदाउट इंश्योरेंस होता तब भी तो ट्रैकिंग आईडी तो दी जाती है, ट्रैकिंग आईडी तो आइदर वेज दी जाती है, बट इसमें आपको एक अब तो ये चीज बहुत आम हो गई ना, असल में बहुत सारी जगह पर इंश्योरेंस की कोई वैल्यू ही नहीं, अगर मैं अपनी पाकिस्तान की बात करूं तो यहां पर इंश्योरेंस की वैल्यू जितने लोगों को, यानी जितने कोरियर सर्विसेज ने अलाउ भी किया हुआ होता है ना, लोग उसको जीरो डाल देते हैं। क्यों जीरो डाल देते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस की वैल्यू ही नहीं पता है आप लोगों को। और दूसरी चीज ये कि कोरियर सर्विसेज इंश्योरेंस पे ही नहीं करती, अगर पे करेगी तो बहुत लड़ झगड़ के पे करती है, वो भी महीनों के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं पता। बट अगर आप इंटरनेशनली डिलीवर करवाएं और उसको इंश्योर करवाएं तो फिर वो आपको स्पेशल सर्विसेज देते हैं, वो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रैकिंग आईडी वो आइदर वेज देंगे, लेकिन वो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं फिर ट्रैकिंग आईडी। अब डिलीवरी टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई हुआ हुआ है कि सप्लायर या सेलर जो है वो प्रोडक्ट को
इतने इतने टाइम में डिलीवर कर देगा, तो फिर सेलर को चाहिए कि वो उस डेट पर डिलीवर भी कर दे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं हुआ, लेकिन उसने ये बोला हुआ है कि भाई लेट्स से 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा, तो इस पीरियड में आपने प्रोडक्ट लाजमी डिलीवर करना ये तो है। हाँ है। सही है। तो अगर आप डेट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट पीरियड दें कि भाई इतने से इतने दिन में हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और अगर दूसरे केसेस में सप्लायर को चाहिए रीजनेबल टाइम के दौरान प्रोडक्ट डिलीवर कर दें। रीजनेबल टाइम क्या होता है, लेट्स से आप लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई प्रोडक्ट कितने टाइम पर डिलीवर होगा, बायर ने भी इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो अब ऑप्शन क्या बचता है कि जनरली आप बाकी सारे कस्टमर्स को 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट बना के दे देते हैं ना, तो इनको भी उतने ही टाइम हाँ लगे। ठीक है, हाँ तो उनका भी उतना ही टाइम लगेगा। हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स। ठीक अब ये जो है ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स या पार्सल से रिलेटेड है। पार्सल में जो गुड्स आते हैं वो एक बॉक्स टाइप चीज में आते हैं, हम हाँ उसको भी पार्सल ही कह देते हैं, बट वो होता है पार्सल नहीं है। पार्सल में डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अगर आपने कभी, मुझे नहीं पता वहां पर DHL की सर्विसेज है या नहीं, डू दे हैव है। DHL? तो DHL में आपने नोटिस किया होगा कि वो कहते हैं कि गुड्स जो है वो बॉक्स में जाएंगे, क्योंकि मैं डिलीवर करवाती रहती हूँ इंटरनेशनली, तो मैं जब भी उनसे बोलती हूँ कि भाई कितने पार्सल लगेंगे इस चीज को भेजने में, तो वो कहते हैं मैम गुड है ना, ये चीजें है ना, ये पार्सल में नहीं जाएंगे, ये बॉक्स में जाएंगे, हाँ पार्सल में समझ सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स। तो वो ही कह रहा है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने हैं, तो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो सेलर को चाहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि गुड्स के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। गुड्स तो आपके अलग डिलीवर हो रहे हैं बॉक्स में, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने पड़ते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मुझे एक रिलेटिव को ग्लासेस डिलीवर करने थे USA में, तो यहाँ से मैंने ग्लासेस बनवा लिए और मैंने DHL हाँ वाले को बोला कि भाई आप जो है बाकी क्लोथ्स में भेज रही थी, तो मैंने बोला कि आप कपड़ों के साथ ग्लासेस इनको भी भी भेज। डालकर बॉक्स हाँ में डाल दें और भेज दें। उन्होंने बोला कि मैडम ये बहुत रिस्की है, USA वाले ग्लासेस की डिलीवरी अलाउ नहीं करते, स्पेशली दी अल्पो आई साइट ग्लासेस, दे डोंट अलाउ इट। तो या तो आप डॉक्यूमेंट दें। मैंने बोला किस तरीके का डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने बोला कि आपको जो है ना रिस्ट्रिक्शन। आई बॉल का टेस्ट करवा कर उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये USA वाले मांगते हैं। तो मैंने बोला आई बॉल का टेस्ट मेरा तो हो नहीं सकता, वो तो उन्हीं का होगा, फिर मैं कहाँ से डॉक्यूमेंट हाँ हैंड ओवर करूँगा। तो इन दी एंड वी हैड टू ड्रॉप इट ऑफ, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे रेलिवेंट। तो वही बात वो कह रहा है कि अगर कुछ गुड्स से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने हो, तो ये भी सेलर ही हैंड ओवर करेगा एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर्म। जैसे आप बायर को गुड्स डिलीवर कर रहे थे, तो बायर खुद आके पिक कर रहा था भाई के, और हाँ आपको ये मैंने कहा था कि अगर वो खुद पिक कर रहा है, तो फिर जिधर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उधर ही आप वही गुड्स रखें, तो उधर ही उसके साथ ही डॉक्यूमेंट भी रखें, उधर से ही डॉक्यूमेंट भी हैंड ओवर होंगे। ऐसा ना हो कि उसको डिफरेंट अथॉरिटीज के पास जाना पड़े डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, जब सारा काम आप करके दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट भी आप ही बनवा के देंगे। दूसरी चीज, इफ द सेलर हैज हैंडेड ओवर डॉक्यूमेंट बिफोर द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ही मे करेक्ट एनी लैक और कन्फॉर्मिटी इन दोज डॉक्यूमेंट्स अप टू द टाइम
that he was required to hand them over by the contract. For example, मैंने आपको बोला था 30th मई तक का टाइम है, 15 मई से 30th मई, 30th मई को आप डिलीवर कर दीजिएगा मुझे प्रोडक्ट लाजमी तौर पर. आपने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा. आपने मुझे डॉक्यूमेंट 15th मई को ही लाके दे दिए, प्रोडक्ट आप डिलीवर करें 30th मई को. अब आपको बाद में याद आया 20th मई को, आपको याद आया कि यार कुछ गलती हो गई थी डॉक्यूमेंट्स में. तो आपका काम है कि आप मुझसे ले लें डॉक्यूमेंट्स और इसको सही करवा के लेकर आए और फिर मुझे वापस. लेकिन ये सब हो जाना चाहिए मैक्स 30th में, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है सर? नहीं है. अब obligations of the seller, conformity. Seller की obligations में ये आता है कि एक तो seller को goods deliver करने हैं, लेकिन किस तरीके के goods. ऐसा ना हो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि भाई मुझे यही product चाहिए, आपको एक दूसरा product उठा के दे दूँगा. That is not right. आप मुझे वही product देंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन भी सही होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए. जो मैंने प्रोडक्ट मांगा है उसी से उसी के जैसी सारी चीजें होनी चाहिए. ये फायदा नहीं है ना, मैंने आपसे प्रोडक्ट कोई और मांगा है, आप कोई और प्रोडक्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये फंक्शन वही करता है बस थोड़ा सा डिफरेंट है. तो मैंने तो आपसे वो डिफरेंट प्रोडक्ट मांगा ही नहीं था, मैंने तो आपसे दूसरा ही प्रोडक्ट मांगा था और जिस तरीके से मैं चाहती हूँ उस तरीके से पैकेज किया हुआ है, ठीक है? अब कंफॉर्मिटी ये कहता है कि अनलेस द पार्टीज हैव मेड डिफरेंट अग्रीमेंट्स इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, UNCCISG स्टेट्स दैट गुड्स डू नॉट कंफॉर्म विद द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस दे दे. के बाद क्या ऐसे मेंशन किया सबसे पहली चीज कि डिस्क्रिप्शन सेम हो. वही आप देखो जो चीज जिस चीज के लिए मैंने मांगा है वो प्रोडक्ट वो चीज उसको करके दिखानी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझे एप्पल आई वॉच चाहिए, ठीक है? आपने मुझे लाके दे दी एप्पल आई वॉच, मैं उसको खोल रही हूँ वो खुल नहीं रही. आपने बोला आपको चाहिए थी एप्पल आई वॉच, ये टॉय एप्पल आई वॉच है आप इसको यूज करें. मैं कहूंगी मुझे एप्पल आई वॉच अपने यूज के लिए चाहिए थी, खेलने के लिए थोड़ी चाहिए थी. जब मैंने आपको एप्पल आई वॉच बोला तो इसका मतलब ये है कि जितने फंक्शन एप्पल आई वॉच में वो सारे वो सब होने चाहिए. हाँ मैं होने चाहिए, मुझे सिर्फ उसको देखने के लिए थोड़ी मैंने मंगवाया है, सही है? अब दूसरी चीज ये कि वो कह रहे हैं कि आर फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस एक्सप्रेसली और एम्प्लाइड made known to the seller at the time of the conclusion of the contract. ये बात करें कि let's say अगर मैं कोई customized product बना, high standardized product, इसमें मैंने थोड़ा सा customized touch देना था. Let's say के cover, mobile का cover बनवा दो, सही है? अब आपको पता है मोबाइल के कवर आजकल बहुत ज्यादा कस्टमाइज चल रहे हैं. हर बंदा कहता है कि भाई मुझे अपने हिसाब से अपने डिजाइन के हिसाब से कस्टमाइज कवर चाहिए. तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो मोबाइल को कवर करे, मोबाइल को प्रोटेक्ट करे, लेकिन पर्पस ये भी है कि वो फैशनेबल लगे. अब मैंने जो आपको डिजाइन दिया था आपने वो मुझे बना के दे दिया, लेकिन बहुत ही मैसी के साथ जो प्रिंट हुआ वो बहुत मैसी था. अच्छा इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आज से कुछ 10 years ago when this thing came in, मतलब ये जो कस्टमाइज मोबाइल कवर्स का जो एक अट्रैक्शन है ये उस वक्त बहुत न्यूली स्टार्ट हुई, बहुत न्यूली, लोगों का भी इसका अंदाजा ही नहीं था और प्रिंट होना स्टार्ट नहीं होते. अब तो प्रिंट होते ना कवर्स 3D प्रिंटर से,
उस वक्त प्रिंट नहीं होते थे, उस वक्त सिर्फ चाइना से आते थे प्रिंट हुए हुए, वो भी बहुत बहुत लिमिटेड होते थे। ठीक है, आर यू विद मी? हाँ सही। तो उस वक्त आई वॉज यंग स्कूल गर्ल, 10 साल 12 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो तब मैं स्कूल में थी एंड आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि आई वांटेड टू ट्राई न्यू स्टफ एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस एंड ऑल। तो मैंने ये किया कि मैं कवर्स बना बना कर लोगों से कस्टमाइज ऑर्डर लेती थी और कवर्स बना बना के सेल करती थी। अच्छा, बिकॉज आई वाज यू कैन से सेल्फ टॉट आर्टिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, आई हैव दैट क्रिएटिविटी इन मी, गॉड गिफ्टेड है। तो वो मैं अप्लाई कर रही थी कवर्स के ऊपर, क्योंकि मेरे पास प्रिंटिंग की तो कोई फैसिलिटी नहीं थी और उस वक्त प्रिंटर्स इसके बहुत महंगे थे। तो मैं उसको हैंड ड्रॉ करती थी, मैं पहले जाकर एक प्लेन कवर लेती थी, उसके बाद उसके ऊपर मैं पेंट करती थी जिस तरीके से भी कस्टमर ने बोला होता। अच्छा, कुछ कस्टमर्स का जो कवर था वो तो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग चला, कुछ में ये मसला आ गया कि जैसे ही मैंने उनको जाके दिया अगले दिन वो पेंट उतरना स्टार्ट हो गया। अब क्या मसला हुआ, कवर चाहिए था ना उनको, मैंने कवर दिया उनको लेकिन पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आई रियलाइज कि नाउ माय प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज गोइंग डाउन और मैं ये बिजनेस मजीद नहीं कर सकती क्योंकि जो पर्पस था वही फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा था। है, तो उसकी वजह से फिर आई स्टॉप द बिजनेस। तो वही बात वो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा तो फायदा नहीं है फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का, आप पर्पस फुलफिल कर सकते हैं तो जरूर कॉन्ट्रैक्ट करें, या अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो अब आप पर्पस फुलफिल करें। ठीक है, हाँ थर्ड थिंग, पोजेस द क्वालिटीज ऑफ गुड्स विच द सेलर हैज हेल्ड आउट टू द बायर एज अ सैंपल और मॉडल। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका जो सैंपल या मॉडल आप दिखा रहे हैं बायर को, उसमें वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक एक्चुअल प्रोडक्ट में आप डालेंगे। ये ना हो कि आप बोले कि ये सैंपल है लेकिन इसमें से हम ये चीज भी हटा देंगे वो चीज भी हटा देंगे, बनेगा ये बिल्कुल प्लेन। तो फायदा बायर को तो वो सैंपल सैंपल प्रोडक्ट चाहिए था, सेम चाहिए था। सैंपल बिल्कुल सेम चाहिए, बिल्कुल। तो आप उसको कह रहे नहीं हम ऐसा नहीं बनाते, हम तो उसको बिल्कुल यहाँ से ये चीज हटा देंगे, यहाँ से अच्छे ये ज्वेल्स हटा देंगे एक्सेट्रा, तो फायदा ही क्या है फिर। फ्रॉड हो फोर्थ गया। थिंग, कंटेन्ड एंड पैकेज्ड इन द मैनर यूजुअल फॉर सच गुड्स और वेयर देयर इज नो सच मैनर, इन अ मैनर एडिक्वेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द गुड्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई पार्सल भेज रहे होते हैं, बाय पार्सल आई मीन अगेन गुड्स, जब आप भेज रहे होते हैं किसी बॉक्स में तो आप मेंशन करते हैं, अगर वो फ्रेजाइल होते हैं तो आप मेंशन करते हैं प्लीज टेक केयर दिस इंक्लूड द फ्रेजाइल प्रोडक्ट। तो उसके लिए वो टेप, अगेन आई एम नॉट श्योर कि TCS या DHL, तो कह रहे हैं ना वहाँ पर, तो DHL वाले भी यही करते हैं कि DHL एक टेप के थ्रू, टेप पे उनका प्रिंट हुआ होता है कि फ्रेजाइल प्रोडक्ट, वो उस टेप को पेस्ट कर देते हैं आपके बॉक्स के ऊपर ताकि जो भी उठाकर उस प्रोडक्ट को प्लेस करे कहीं और, क्योंकि जब अक्सर ऐसा होता है इंटरनेशनल डिलीवरीज होती है तो इंटरनेशनल डिलीवरीज में उठा उठा के प्रोडक्ट को फेंकते हैं, बॉक्स को फेंकते हैं। आपने देखा होगा कि बैग्स भी उठा के फेंके जाते हैं जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे जब लगेज का टाइम आता है तो जो एयरपोर्ट वाले लोग हैं वो उठा के बैग्स को फेंकते हैं, वो रखते नहीं है बैग्स को, तभी वो कहते हैं कि कोई ऐसी सेंसिटिव चीज उठा के ना लेकर जाए क्योंकि आपका प्रोडक्ट, आपका बैग फेंका जाएगा तो उसमें वो चीज टूट जाएगी। तो इसीलिए फ्रेजाइल मेंशन किया जाता है ताकि उसको लोग आराम से रखें और वो चीज टूटे ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम, क्योंकि अगर वो चीज टूट गई तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना, तो आपने पैकेजिंग ऐसी करनी है कि उस
चीज छूटे नहीं, बिल्कुल सही सलामत है। फिर द सेलर इज नॉट लायबल फॉर गुड्स नॉट मीटिंग दिस डिस्क्रिप्शन इफ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बायर न्यू दैट द गुड्स डिड नॉट कंफर्म। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बायर को पता था कि सप्लायर ऐसी चीज नहीं बना के देगा जैसी मैं चाह रहा हूँ, उसके बावजूद उसने बोला नहीं बाद में प्रेशराइज कर देंगे कोई मसला नहीं, अभी इनसे अग्री कर लेते हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो अग्री उस पर अग्री कर लेते हैं, बाद में इनको कॉल कर करके तंग करेंगे और इनको बोलेंगे कि भाई बना कर दो। तो ये अक्सर लोग करते हैं, बाहर तो नहीं करते होंगे लेकिन आई वुड से कि डेवलपिंग नेशन में जहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है वहाँ पर लोग इस तरह से हरास करते हैं सेलर्स को कि भाई हम आपको थोड़ा सा उनको थ्रेटन करते हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे अगर आपने नहीं प्रोडक्ट बना कर दिया, हम यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में जो होता है वो लफ्ज ये यूज होते हैं हम आपके पास बंदे भेज देंगे कि अगर आपने प्रोडक्ट नहीं बना के दिया। तो मतलब ये जो एक थ्रेट है ना वो सही नहीं है, जब आपको पता है कि सेलर नहीं करके दे सकता तो बस फिर उस पर अग्री कर लो या फिर किसी और के पास चले जाओ। सेकेंड थिंग द बायर कुड नॉट हैव बीन अनअवेयर ऑफ द गुड्स ऑफ सॉरी द बायर कुड नॉट हैव बीन अनअवेयर दैट द गुड्स डिड नॉट कंफर्म। अगर तो सेलर ने पहले बता दिया है कि भाई ये चीज मैं नहीं बना सकता, वाजे तौर पे उसने मेंशन कर दिया मैं नहीं बना सकता, तो या तो बायर के पास अगर वो क्वेश्चन है तो पूछ ले उससे कि भाई अच्छा ये बता दें आपने ये तो बता दिया कि आप ये नहीं बना सकते, कैन यू प्रोड्यूस दिस और कैन यू नॉट प्रोड्यूस दिस। लेट्स से कि बायर के दिमाग में कोई सवाल आया कि लेट्स से कि आप मोबाइल तो बना देंगे लेकिन मोबाइल का चार्जर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि आपने मना कर दिया कि हैंड्स फ्री आप नहीं प्रोड्यूस करते, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मोबाइल का चार्जर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर बायर इस तरीके से पूछ ले तो उसकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेलर ने ये बोला कि मैं मोबाइल बना सकता हूँ यही बोला, लेकिन उसने मजीद किसी चीज के बारे में बात नहीं करी, ना ही मोबाइल के बॉक्स के बारे में बात की, ना ही हैंड्स फ्री के बारे में बात की, ना ही चार्जर के बारे में बात की। हैंड्स फ्री के बारे में उसने सिर्फ ये बोला कि मैं ये नहीं बना सकता। तो अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आपका आपके पास चांस है आप अभी पूछ लें, आप ये अज्यूम करके ना बैठे कि वो चार्जर बना देगा वो बॉक्स भी बना देगा मोबाइल का, नहीं, उसने सिर्फ मोबाइल की बात की है, हैंडसेट की बात की। क्लियर? यस मैम। अच्छा इसके बाद इट सेज द रूल्स ऑन कंफॉर्मिटी आर ऑल फाउंड इन आर्टिकल 35 UNCCISG व्हिच द एग्जामिनर माइट वेल रेफर टू बाय नेम इन द एग्जामिनेशन। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब वो कह रहे थे सेलर इज लायबल फॉर लैक ऑफ कंफॉर्मिटी, अगर सेलर ने कोई बात की है और उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए वो लायबल है। व्हेन इट एग्जिस्ट एट द टाइम दैट रिस्क पासेस टू द बायर, क्या बात हो रही है, बायर के पास गुड पहुंचा नहीं है अभी, ठीक है अभी पहुंचेगा, चले पहुंच भी गया लेकिन बायर ने बोला कि भाई आप जो है वो अपने बंदों को बोले, आपसे बोला, आप सेलर है, आपसे बोला कि आप अपने बंदों को बोले, आप अपने वर्किंग स्टाफ को बोले कि अगर प्लीज ये प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करके नीचे रखें, मतलब ट्रक में आप लेकर गए प्रोडक्ट, उन्हें बोला कि बहुत ज्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, इतनी मैन पावर नहीं है, तो आप जो है वो अपने वर्कर्स को कहें कि इसको नीचे तक रख दें, मतलब नीचे रख दें मतलब जमीन पे उठा के रख दें हमारी प्रेमिसेस के अंदर, और फिर आप ट्रक अपना बाहर ले जाइएगा। अब उधर अगर गलती आपके वर्कर से हो गए, बॉक्स गिर गया, उन्होंने तीन चार प्रोडक्ट का बॉक्स एक साथ उठा लिया
और उनसे वो संभला नहीं और वो गिर गया, और इसके अंदर जो पड़ा हुआ प्रोडक्ट था वो टूट गया, तो सप्लायर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका बंदा इस पे वर्किंग कर रहा था, आपका बंदा उठा के रख रहा था, तो बायर तो ये बोलेगा ना कि भाई हमने तो हाथ ही नहीं लगाया, तो ये हम क्यों लायबल हो उसके लिए? आप लायबल होंगे जो आपके वर्कर ने किया है, तो आप मुझे नया प्रोडक्ट बना कर दें। दूसरी चीज ये, इट अकर्स आफ्टर द टाइम व्हेन रिस्क पासेस टू द बायर इफ इट इज ड्यू टू अ ब्रीच ऑफ द सेलर्स ऑब्लिगेशंस। बायर को आप हैंड ओवर कर आए हैं प्रोडक्ट, लेकिन जब बायर ने खोल के देखा तो वो ये वो प्रोडक्ट ही नहीं था जो आपने अग्री किया था, तो फिर अगेन इशू आपके ऊपर आ जाएगा। क्यों इशू आपके ऊपर आ जाएगा? क्योंकि आपने तो अग्री किया था कि आप ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, आपने अग्री किया था कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कुछ और हो, ठीक है? एनी कंफ्यूजन इन दिस? एक मिनट, आई एम चेकिंग कि चैप्टर कितना रहेगा। वैसे ये चैप्टर कल तक ही जाएगा, कल तक भी नहीं आई थिंक। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। इसके कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े, सो इसको बस यहाँ तक कर लेते हैं बिफोर अर्ली डिलीवरी। हाँ अच्छा, अब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस आई वांट यू टू रीड दिस बिट और मुझे बताएं कि इसमें क्या समझ नहीं आई, फिर वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ currently over 2.3 and the worst rate is governed by CIND and every year now states ratify the country that there are substantial differences in legal systems and custom in both countries and even nevertheless our government states when interpreting the convention must have a regard to its international character and to the need to promote university in application and other मैम आर्ट आर्टिकल 7 का 1 पैराग्राफ 1। अच्छा, ये जहाँ पर इसने ये आर्ट 7-1 लिखा हो। हाँ अच्छा, वो ये कह रहे हैं ऑफ नेवर्थलेस आर्टिकल 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द कन्वेंशन स्पेसिफाइज दैट स्टेट्स व्हेन इंटरप्रेटिंग द कन्वेंशन मस्ट हैव रिगार्ड टू इट्स इंटरनेशनल कैरेक्टर एंड टू द नीड ऑफ प्रमोट जो आप ट्रेड करें तो आपको अपने तौर पर, अपनी कंट्री के तौर पर ये बताना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज पे अग्री ना करिएगा कि जो आप दे ही ना सके। आपको पता है कि एक चीज मैं $10 में नहीं बना के दे सकता, तो आप उस पर अग्री ही ना करें, ठीक है? क्योंकि इन द एंड अगर आप उस पर अग्री कर भी लेते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया और आप वो चीज ऑफर नहीं कर सके, प्रोवाइड नहीं कर सके, तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी एट रिस्क, आपकी रेपुटेशन वुड बी एट रिस्क। उसके बाद हो सकता है कि लोग आपके ऊपर, बाकी जो कंट्रीज हैं वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दें या टैरिफ्स या कोटास लगा दें। क्यों? क्योंकि एक दफा आपने नाम खराब कर लिया अपना, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड में आपने यूनिफॉर्मिटी, वो कह रहे ना कि नीड टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, यू नीड टू वर्क थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। बेहतर है कि आप इसके ऊपर वर्क करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, लेकिन इसे ये बात भी बोली है कि कन्वेंशन स्पेसिफाइज दैट स्टेट्स व्हेन इंटरप्रेटिंग द कन्वेंशन मस्ट हैव रिगार्ड टू इट्स इंटरनेशनल कैरेक्टर। तो ये वो बात कह रहा है कि जब आप कोई प्रोडक्ट या आप जब ट्रेड करें, ट्रेड में क्या होता है, प्रोडक्ट सर्विस ही होती है, राइट?
तो वो सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंफर्म करने चाहिए, मतलब आपके जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी सर्विसेज, जिस तरीके से भी आप ट्रेड कर रहे हैं ओवरऑल, वो सब इन अकॉर्डेंस विद द लीगल सिस्टम होने चाहिए, ताकि अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं कि भाई लेट्स से दैट इज आउट ऑफ द लीगल सिस्टम, दैट इज नॉट अलाउड इन द लीगल सिस्टम, ठीक है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं जो लीगल सिस्टम में अलाउड ही नहीं, तो आप अपनी रेप्यूटेशन को डैमेज कर रहे हैं। तभी वो कह रहा है कि इंटरनेशनल कैरेक्टर और यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करने के लिहाज से और गुड फेथ ऑब्जर्वेंस ऑफ गुड फेथ इन इंटरनेशनल ट्रेड, इसके लिहाज से आपने ट्रेड पे वर्किंग करनी है, ठीक है। तो उसका मजीद अगर मैं डिटेल में जाऊं तो जो पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो उस सेंस में थी कि भाई अगर हम प्रोडक्ट की लत से बात कर लें तो जब आप सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज करते हैं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर्स, ऐसा ना हो आप बोले हमारी कंट्री में तो ये होता है, नहीं आपकी कंट्री में क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेशनली क्या होता है, क्या चीज लोग प्रमोट करते हैं, क्या चीज लोग प्रमोट नहीं करते उसको देखें, क्या चीज आपका लीगल सिस्टम अलाउ करता है, क्या चीज जनरली सारे लीगल सिस्टम अलाउ करते हैं उस चीज को देखें, ताकि आपका नाम खराब ना हो, आपकी कंट्री का नाम खराब ना हो, वरना इंटरनेशनल ट्रेड आपके साथ लोग करना बंद कर दे, ठीक है। हाँ हाँ एल्स, हम कंफॉर्मिटी का मतलब कंफॉर्मिटी का मतलब कि जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है तो आप उसके साथ यानी उसको अप्लाई करते हुए चलो, ओ हम आर्टिकल 7 भी सेकंड पार्ट भी बस और सेकेंड कोई पार्ट आर्टिकल 7। अच्छा आर्टिकल 7 सबसेक्शन 2 रिक्वायर्स ऑल क्वेश्चंस कंसर्निंग मैटर्स गवर्न्ड बाय दिस कन्वेंशन व्हिच आर नॉट एक्सप्रेसली सेटल्ड इन इट टू बी सेटल्ड इन द कंफॉर्मिटी विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच इट इज बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ दिस ऑफ सच प्रिंसिपल्स इन कंफॉर्मिटी विद द लॉ एप्लीकेबल बाय वर्चू ऑफ द रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अच्छा इसमें आप वो ये बात कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय एंड सेल करेंगे तो एक चीज तो ये है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे वो सोशल बिहेवियर और सोशल ट्रेंड के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल लॉ के इन अकॉर्डेंस होना चाहिए, जो जो रूल्स और रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं ना, कन्फॉर्मिटी का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर रहते हुए उसको फॉलो करते हुए आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, सही है। अगर कोई डिफरेंट कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई और कंसर्न है तो आप उसको एड्रेस करें, आप पूछें या आप उसका जवाब दें, अगर आप पूछने वाले एंड पर बैठे हैं तो आप पूछें और अगर आप बताने वाले एंड में बैठे हैं तो आप बताएं उसका जवाब दें। एक्सप्रेसली सेटल का यही मतलब होता है कि आप वर्बली उस चीज को सेटल करें और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ठीक है। अब आप नीचे अगर देखेंगे तो उसने फिर बात की इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स और अदर कन्वेंशंस, यानी थर्ड पैराग्राफ में, सॉरी सेकंड पैराग्राफ में।
हाँ वो ये दूसरा चीज है। हाँ ये इसके ये जो पैराग्राफ है सेकेंड, ये इसके बारे में बता रहे क्लाउड, ये थर्ड पैराग्राफ में क्लाउड, ये जो क्लाउड के बारे में बता रहे हैं, परपोज जी एंड ऑल। नीचे करो। हाँ ये मैम आर्बिट्रेशन का केस भी क्लाउड ही लेता है, मतलब जी सही। अच्छा इसको इधर तक फिर रोकते हैं, कल फिर हम अर्ली डिलीवरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक यस मैम, है, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। हाँ।